हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल योगेश सिंह। अभी मैं हूँ उत्तराखंड में और ये मेरा घर है। गांव का नाम है रोतेड़ा, तहसील गंगोलियाट, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। और ये मेरे घर के आसपास का व्यू है। ये मेरे घर के सामने का व्यू है। सामने आपको रोड दिखाई दे रही है और सामने छोटी से पहाड़ की चोटी। यहाँ पे हमारे गांव के लोग लकड़ी के लिए और अपनी बकरियाँ वगैरह चराने के लिए, पर जहाँ आपको टॉप दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाते हैं। ये मेरे घर के आसपास का व्यू है। सामने बादल और देखो सामने नीचे आपको एक चोटी सी दिखाई दे रही है पहाड़ की। और बादल वहां पे लगे हुए हैं, क्यूट से बादल। और अभी मैं आया हूँ रोड पे घर से थोड़ा सा ऊपर। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये है रशुना गांव, जो कि जहाँ पे हमारे गांव के लोग रहते हैं। लेकिन ये हमारे गांव और रशुना गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जिसको हमारे यहाँ पे सरयू नदी बोलते हैं। ये देखो रोड, इसका रोड अभी बनी है, इसको ज़्यादा नहीं हुए, 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए, अभी बनी है जस्ट ये रोड। पहले इस गांव के लोग अराउंड 12 से 13 किलोमीटर पैदल वॉक करते थे अपने घर जाने के लिए, या इनको अगर कोई कैनवस पकड़ना है, कुछ गाड़ी पकड़नी है, तो ये लोग वॉक करके जाते थे। और ये सामने का गांव है अस्कोड़ा। और सामने जो मैं दिखा दे रहा था, ये देखो मैं अभी हूँ अपने घर से ऊपर रोड के पास। ये आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सनराइज होने वाला है, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। और ये सूर्य भगवान जी का उदय हो रहा है। ये सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इस यहीं पे रोड है। और ये मेरी मैं अपनी घर की छत से आसपास का व्यू दिखा रहा हूँ। आज शाम को मैं दोबारा आया हूँ रोड पे, जो कल मैं आपको रशुना गांव दिखा रहा था। ये पूरा रशुना गांव है, यहाँ पे हमारे गांव के लोग रहते हैं। और ये देखो इन हम दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जो दिखाई नहीं दे रही है। ये देखो पहाड़, ऊपर जंगल, घने जंगल। जिला पहले निर्माण हो रही थी, वो रुखा दो मुझे। जो रशुना गांव में आपको रोड दिखाई दे रही है, ये पनार से यहाँ तक बनी है। अराउंड जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 12 से 13 किलोमीटर बनी है। ये लोग पहले पनार तक वॉक करके जाते थे, मतलब पैदल चलना होता था अगर किसी को, अगर गाड़ी पकड़नी है तो। ये देखो रोड, ये सामने दुकान है। और अभी मैं आया हूँ रोड पे अपने घर के बिल्कुल सामने। और मैं जूम करके जो दिखा रहा हूँ, ये मेरा घर है। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव, अपने ताऊ लोगों के पास। और ये रोड है हमारी।
और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, और ये सामने का व्यू देखिए, और ये मेरा हमारा मेरे ताऊ लोगों का, चाचा लोगों का, सबका घर है। ये वीडियो ये नेस्टे का है, साउंड सुनो बर्ड्स का। यह है पानी की टंकी, ये हमारे ताऊ लोगों का आसपास का खेतों में जो अपना काम करते हैं, जो सब्जी वगैरह उगाते हैं, ये फूल, ये पहाड़ी चूल्हा, ये मेरे पिताश्री, ये हमारा कालू, और यहाँ पे खाना बनाते हैं पहाड़ी चूल्हा। और ये हमारे चाचा ताऊ लोगों का घर, हमारे हमारे यहाँ पे ऊपर लोग रहते हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भैंस हो गई, बकरियाँ हो गई, उनको रखते हैं। ये एक छोटी सी बकरी का बच्चा, और ये मेरा भाई, और ये मेरे घर के पास के सामने का व्यू। सामने बकरियां, बकरियों, बकरियों का बेड़ा जहाँ पे बकरियां बांध के रखी हुई हैं, और ये मेरी ताई, और ये मेरे भाई, दोनों मेरे बहन और भाई, और ये हमारे घर का मेन गेट एंट्रेंस। थोड़ा सा अभी मेंटेनेंस नहीं हो रही क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो अब हम कंटिन्यू आना जाना करेंगे, तो इसको सही से हाँ मेंटेनेंस करेंगे और आपको सही से इसको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। और ये बकरी का बच्चा डंडे के साथ खेल रहा है और डंडे को खाना चाहता है, भूख लगी है इसको। क्यूट सा बकरी का बच्चा, की कर जाए फोटो ही। ये देखो कालू और बकरी, कालू बकरी के बच्चे को परेशान करता है, उसको काटने आता है। और हम दिल्ली के लिए चल रहे हैं, तो ये उसका व्यू है। ये देखो नीचे नदी थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, सामने घाट की तरफ रोड, घाट की वाल घाट वाली रोड। ये भी लायो तू मंगा ही तो और अभी हम टिमटा पे, आजा रोड लायो ना पहले ही दिया बारा रणियो वो हगना बात वो हगना ने वाली उठी कर बात चार में फोन कर दो बस बात बात तो रणियो बाकी 40,000 रुपए दादी ने बाकी बने तू बता डबल डबल जीत देखो कि ये 40,000 का वाला मैं फोन रोड करूंगा मोस्टली सब गांव में कनेक्ट हो चुकी है, कुछ ही गांव बचे होंगे अभी तक। सामने बादल,
अगर दूसरी सरकार आएगी ना, देखो कितना कोरोना का घोटाला है इनका, फिर पता चले बहुत घोटाला हुआ इसमें तो, खरबूज भी का घोटाला। चाइना का ऐसा देश है ना, चाइना में तो मरे या जिए वहाँ कोई गिनती नहीं। और अभी हम पहुंचे हैं भीमताल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं भीमताल। आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, लोग बोटिंग कर भी रहे हैं। ये देखो भीमताल, भीमताल है, नैनीताल है, नकुचिया ताल है, इन चीज इनको देखने के लिए लोग उत्तराखंड से बाहर के लोग और उत्तराखंड में खुद रहने वाले आसपास दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, घूमने के लिए। और ये मैंने जो वीडियो बनाई है, चलते फिरते गाड़ी चल रही है तब बना रहा हूँ। और ये देखो, हम आ गए हैं भीमताल से आगे, भीमताल और हल्द्वानी के बीच में। ये व्यू भी बड़ा प्यारा लगता है, पहाड़ी, पहाड़ों के रास्ते और सामने टेढ़ी मेढ़ी रोड और हमारे सामने एक गाड़ी जाती हुई। और ये देखो मोड़, ये सामने का व्यू, ये देखो मोड़ और सामने, सामने मौसम क्लियर नहीं है, थोड़ा धुंध वगैरह है और कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है। ये देखो टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट, यही मज़े होते हैं पहाड़ों में आने के, टेढ़े मेढ़े रास्ते और गाड़ियाँ। नीचे देखो रोड दिखाई दे रही है साइड से, रियली। और नेक्स्ट टाइम जब उत्तराखंड आऊँगा प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और आपको बढ़िया से उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को पूरा दिखाऊँगा। ये देखो हमें मोड़, मोड़ पर हॉर्न जरूर बजाएं। बहुत प्यारा व्यू लगता है ऐसे, ऊपर रोड और नीचे भी रोड। और स्लो स्लो अपनी गाड़ी चलती हुई,
पहाड़ी रास्तों पे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फ़ोन में मेरी बैटरी नहीं है और अब हल्द्वानी आधे घंटे के अंदर हम हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, उससे वहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं उत्तराखंड जाऊँगा तो प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।